मेरे सामने हदीस है बाबा, दो हदीसें मैं बयान करता हूँ। एक हदीस है, बिलाशुबा दीन आसान है, जो शख्स इस दीन को मुश्किल बनाने की कोशिश करेगा दीन उस पर गालिब आ जाएगा। और एक और हदीस है, तुम आसानी करने के लिए भेजे गए हो, मुश्किल में डालने के लिए नहीं भेजे गए हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दीन में आसानियाँ भी अता की गई हैं, समझने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है। दावत इस्लामी के मद्दी माहौल में आएँ, इंशाल्लाह तबारक व ताला बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये एक जहालत होती है बाज़ लोगों की, जो बोलते हैं कि यार ये मुश्किल है, या कभी ये बोलते हैं कि मौलाना उन्हें मुश्किल कर दिया है, और ये जहालत की बात है। वरना आप जिस दुनिया की बात करते हैं उसमें जो दुश्वारियाँ वो नज़र नहीं आती। अब जैसे कि जो मजदूरी करते हैं, बेगारी करते हैं, बजरी उठाते हैं, वो तामीरात का काम करते हैं, मैं समझता हूँ कि जैसे हम जैसा आदमी है ना, उसको 1 करोड़ रुपया दिहाड़ी दी जाए ना, तब भी इस पर कादिर ही ना हो सके कि वो दिन भर ही टाटू कर सके, कुदरत ही ना पाए, गिर पड़े, है ना। तो ये कि आखिर कितना मशक्क़त का काम है। और दुनिया के दीगर काम, नौकरी किसी का दिल लगता है उसके लिए आसान है, वो जिसका दिल नहीं लगता उसके लिए कितना मुश्किल होता है। इसी तरह दुकानदारी, इसी तरह मतलब है ना कि कोई गड़ा खोदता है, कोई पानी ढोता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, इस दुनिया में कितनी मेहनतें मशक्कतें करते हैं, तो फिर भी माज़ अल्लाह वो दीन को ही हदफ बनाना है कि इसमें मुश्किलात हैं, इसमें सख्तियाँ हैं, माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला अक्ल सलीम अता फरमाए। आमीन। दीन में हम जो भी है वो खूबी ही खूबी है, आसानी ही आसानी है, और इसमें कोई खामी है ही नहीं। और जो उलमाए किराम फरमाते हैं, हम मतलब यानी कि बस चश्मो सर उसको कबूल करते हैं। हमने मतलब यानी कि उलमाए किराम के फरमान से टकराना नहीं है। जो उलमाए ले सुन्नत फरमाए लब्बैक, ठीक है ना। हमारी अक्ल कितनी, हमारा इल्म कितना, अपनी मालूमात कितनी है, खामखा वो शैतान के चक्कर में अगर हम होशियारी करें। हमें मतलब वुजू के फ़र्ज को पूछे तो बगले झाके, जनाजे की दुआ सुनाओ तो पसीना आ जाए, हमारी हालत ही। और हम बोले कि इस्लाम में यूं है, उलमा यूं कहते हैं, मौलवियों ने दीन को मुश्किल बना दिया, माज़ अल्लाह अपने को आता क्या यार। इसलिए मतलब ऐसी बातें वही करता है जिसको शैतान वसवसे देता है और वो उसके चक्कर में आ जाता है। अगर सआदतमंद मुसलमान कभी ऐसी बात नोके जबान पर नहीं ला सकता, और हमें सआदतमंद ही बनना है और यही रहना है।